जय जिनेंद्र, हेल्दी कुकिंग लैब में स्वागत है आपका। आज हम पर्यूषण स्पेशल रगड़ा विद पनीर स्टफ्ड ढोकड़ी बनाएंगे। एकदम डिफरेंट रेसिपी है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है और पर्यूषण के मेनू के लिए एकदम परफेक्ट। अगर चाट में आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए रगड़ा विद स्टफ्ड पनीर ढोकड़ी की रेसिपी शुरू करते हैं। रगड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे व्हाइट मटर लिए हैं, जिसको मैंने 2 ग्लास पानी और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल के 2 सीटी लगा के 2 घंटे के लिए भिगो लिया था। पर्यूषण के समय में हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं होता है, तो अगर आप इस मेथड से कोई भी सूखी सब्जी भिगोएंगे तो वो सिर्फ 2 से 3 घंटे ही आपको भिगोनी पड़ेगी। उसके लिए आपको 7 से 8 घंटे इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब इसमें से जो सोडे वाला पानी है वो सारा इस तरह से स्ट्रेनर में निकाल लेंगे, क्योंकि यही सोडे वाले पानी में अगर हम वापस से मटर को स्टीम करेंगे तो एकदम गल जाएंगे। अब इसे कुकर में डाल के इसमें फ्रेश 1.5 से 2 ग्लास जितना पानी डालेंगे और कुकर को बंद करके वापस से इसमें 3 सीटी लगा लेंगे और फिर कुकर रूम टेम्परेचर पर आए तब इसे खोलेंगे। अब ढोकड़ी के लिए आटा तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 1/2 कप गेहूँ का आटा लिया है। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1.5 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके इसका स्मूथ डो तैयार कर लेंगे। पराठे के लिए जैसा डो तैयार करते हैं वैसा डो तैयार करना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अब इसका डो तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी मेरी न्यू रेसिपी आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। देखिए, इस तरह का सब डो तैयार करना है। अब इसे हम कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। अब एक पैन में 1 टीस्पून ऑयल गरम रखेंगे। अब इसमें 1.5 टेबलस्पून सिंग दाने को क्रश करके डालेंगे। जो नॉर्मल कच्ची वाली मूंगफली आती है उसी को क्रश करके मैंने पाउडर बनाया है। 1.5 टेबलस्पून तिल डाल देंगे। 1 टेबलस्पून कोकोनट पाउडर डालेंगे, ड्राई कोकोनट पाउडर, और 1/4 कप पनीर लिया है मैंने यहाँ पे। पर्यूषण स्पेशल पनीर मैंने घर पे कैसे बनाना है उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर की हुई है, उसकी वीडियो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप चेक कर सकते हैं। अब इन सबको धीमी आंच पे 2 मिनट के लिए सीकेंगे। 2 मिनट सीक के फ्लेम को बंद कर देना है। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आमचूर की मीठी चटनी बनाएंगे। ये चटनी सिर्फ 2 मिनट में तैयार हो जाती है, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कप पानी लिया है। इसमें 1/4 कप गुड़ डाल देंगे, गुड़ की जगह पे आप शक्कर भी डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून चाट मसाला डालेंगे। चटनी को गाढ़ा करने के लिए यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून चावल का आटा डाला है। चावल के आटे से ये चटनी जल्दी ही गाढ़ी हो जाएगी। 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे, 1.5 टेबलस्पून अमचूर पाउडर डालेंगे, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। ये सब चीज़ें पानी में डाल के उसके बाद ही फ्लेम को ऑन करके इन सबको मिक्स करके इसे उबालना है, ताकि कोई भी मसाले या तो फिर आटा डाला है उसके इसमें लम्स ना रहे। इस तरह से कंटिन्यू हिलाते हुए 2 मिनट के लिए इसे उबालेंगे। यहाँ पे आपको चटनी जैसी गाढ़ी या पतली चाहिए उस हिसाब से आप इसमें थोड़ा सा आटा डालिए। और एक बात और कि आप यहाँ पे शुगर की जगह पे गुड़ का इस्तेमाल करेंगे तो ये चटनी और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। देखिए, सिर्फ इसमें सारे मसाले और गुड़ घुल जाए इतनी देर में तो हमारी चटनी तैयार भी हो जाती है। ये चटनी आप किसी भी तरह की चाट, समोसा, कचौड़ी सबके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, अब डो में से लोए तैयार कर लेते हैं ढोकड़ी के लिए, जिसके लिए इसमें थोड़ा सा तेल डाल के इसे अच्छे से 2 मिनट के लिए मसल लेंगे। इसको अच्छे से मसल के इसमें से छोटे छोटे पूरी के लोए तैयार कर लेंगे। देखिए, इस तरह के लोए तैयार किए हैं। अब इसे इस तरह से दोनों हथेली से दबा देंगे। अब एक जैसी पूरी बेल के तैयार करेंगे।
जिसके लिए ज़्यादा बड़ी पूरी भी नहीं बेलनी है और ज़्यादा पतली भी नहीं बेलनी है। अगर बहुत ज़्यादा पतली होगी बीच में से तो ये पूरी फट के स्टफिंग निकल जाएगा। देखिए इस तरह की पूरी बेल के तैयार करेंगे। पूरी की थिकनेस ऐसी रखनी है। अब इसमें हमने जो पनीर का स्टफिंग तैयार किया था वो एक चम्मच भरेंगे। अब जैसे कचौड़ी बंद करते हैं उसी तरह से इसको ऊपर से बंद करना है। इस तरह से ऊपर से बंद करके अब इसे इस तरह से दबा देंगे थोड़ा सा, ताकि इसमें ढोकड़ी का शेप आ जाए। देखिए इस तरह से, बस इसी तरह से लोहे में से सारी पूरी बेल के ये सारी ढोकड़ी तैयार कर लेंगे। देखिए मैं आपको एक और रेडी करके दिखाती हूँ। इस तरह की पूरी बेलनी है और इसमें एक चम्मच पनीर का स्टफिंग डाल के इसे ऊपर से बंद करके इस तरह से दबा देंगे। देखिए इस तरह से मैंने सारी ढोकड़ी तैयार कर ली है यहाँ पे। अब इसे हम सेमी फ्राई करेंगे। ढोकड़ी को सेमी फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे 2-3 टेबलस्पून ऑयल गरम रखा है। अब इसमें हम सारी ढोकड़ी इस तरह से रख देंगे। ढोकड़ी को यहाँ पे सेमी फ्राई करने का रीज़न ये है कि आप डायरेक्ट इसे रगड़े में डालेंगे तो ये थोड़ी सी चिकनी हो जाएगी, जबकि आप इसे इस तरह से सेमी फ्राई करके डालेंगे तो ये क्रिस्पी भी रहेगी और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। ये बिल्कुल भी चिकनी नहीं पड़ेगी। देखिए जैसे मैंने वीडियो में बताया है उस तरह की क्रिस्पी ढोकड़ी बनानी है, तो इसका रगड़े में टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। इस तरह से पलटाते हुए मैंने सारी ढोकड़ी यहाँ पे तैयार कर ली है। अब इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। अब इसी पैन में रगड़ा बनाएंगे, जिसके लिए 3 टेबलस्पून ऑयल गरम रखेंगे। 1 टीस्पून जीरा डाल के इसे अच्छे से तड़कने देंगे। 1/4 टीस्पून हींग डालेंगे। अब हमने मटर जो स्टीम करके रखे थे वो डाल देंगे इसमें। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून गरम मसाला डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे मीडियम फ्लेम पे कम से कम 2-3 मिनट के लिए उबलने देंगे। 3 मिनट उबल जाए इसके बाद हम इसमें ढोकड़ी जो तैयार की थी पनीर वाली वो डालेंगे। सारी ढोकड़ी इस तरह से डाल के अब इसे मीडियम टू स्लो फ्लेम पे कम से कम 5 मिनट के लिए उबालेंगे। देखिए ढोकड़ी अच्छे से उबल गई है। इस तरह से रगड़ा थोड़ा गाढ़ा हो जाए उसके बाद फ्लेम को बंद कर देंगे। आप चाहे तो ढोकली के ऊपर भी रगड़े को सर्व कर सकते हैं, पर इस तरह से ढोकली को इसमें 5 मिनट के लिए उबाल के उसके बाद सर्व करेंगे तो ये ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो चलिए अब इसे सर्व करते हैं। है ना फ्रेंड्स, एकदम डिफरेंट रेसिपी। अगर आपको भी खाने में चाट या रगड़ा पेटीज बहुत पसंद है तो सच मानिए आपको ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगेगी। ये इतनी अच्छी और टेस्टी बनती है कि आप पेटीज की जगह पे हर बार इस तरह की ढोकली ही बनाना चाहेंगे। चलिए अब इसमें थोड़ी सी मीठी चटनी, थोड़ा सा गरम किया हुआ दही और घर पे बनाई हुई चने आटे की बारीक सेव आती है वो डालेंगे, जिससे टेस्ट में और भी ज़्यादा यम्मी लगेगी। इस परिवेशन में एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और आपके जो भी ओपिनियन या क्वेरी हो वो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आपको ये परिवेशन स्पेशल रेसिपी सब पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर कीजिए।